डॉक्टर संदीप पाठक जी, और बहुत ही छोटे से एक सद्दे पर इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान वीर मामा पैना बुजुर्ग सारा नूं प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। हमीरपुर मेरे लिए नवा नहीं, हमीरपुर मेरे लिए नया नहीं, क्योंकि हमीरपुर में मैं कम से कम 3-4 बार मिंजर फेस्टिवल में एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करता रहा हूं। वो होता ना ग्राउंड में मिंजर फेस्टिवल, कुल्लू का दशहरा, रकोंग पियो और शिवरात्रि जो शिवजी का बहुत बड़ा 7 दिन का मेला चलता है शिवजी महाराज का, मंडी में कोई भी ऐसा प्रदेश हिमाचल का ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे मैंने आके परफॉर्म नहीं किया। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हिंदी बोलनी चाहिए, लेकिन आगे से लोग कहते पंजाबी 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 है सर, मैं डोगरी भी बोल सकता। जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम चलता डुग्गर दर्पण। सो असी एक दूजे दे गुआंढी हाँ, असी भाई हाँ, ते देव भूमि है, ऋषियां मुनियां दी भूमि है। हमेशा सत्कार रहा है इस भूमि का। मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल उसकी उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल सही है, जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, भावे रिड़कना भर के जमाना होवे, पर जागदा तो एक चमचे ही चाहिए होंदा है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया, अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमाओ। ईमानदारी का आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे, अब तो लोग पंजाब के लोग जो हैं वो मतलब सुबह दोपहर शाम वेट करते रहते हैं कि अब सरकार का कौन सा फैसला आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। 75 साल लेट हो चुके हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, 5 साल। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी, यही फर्क है बस। 5 तू 5 मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। जनता क्या, जनता का क्या है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। पहले को पहले से तंग आके दूसरे के पास, दूसरे से पहले से ज्यादा तंग आके फिर पहले के पास कि शायद ये ठीक हो गया होगा 5 साल में, नहीं ठीक हुए हो। ऐसे पंजाब में था 5 साल। इस बार लोगों ने कहा तुम सब लोग जाओ, हमें कुछ नया तजर्बा करने दो। आपको हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी
कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल की उम्र के हमारे पास 70 से ज्यादा एमएलए हैं। आम घरों के लड़के लड़कियां, जिसने मुख्यमंत्री चन्नी को हराया, वो मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है। आज भी उसकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, जिसने मुख्यमंत्री को हराया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, बाकियों में तो बारी नहीं आएगी। उनके यहां तो बेटा भतीजा साले जीजे पता नहीं कितने कितने तक चले जाते हैं, उधर नहीं बारी आएगी। आम घरों के आम घरां दे लोग मुंडे कुड़ियां नू आम आदमी पार्टी मौका। मैं कौन हूं कलाकार? चलो ठीक है, बहुत सारे मेथों भी बहुत फेमस कलाकार ने, पर मुख्यमंत्री सोचे नहीं सी कदे। ना मेरा कोई दादा, ना मेरा कोई चाचा कोई राजनीति च। मेरे डैडी टीचर सी, साइंस मास्टर सी, बद तो बदो मैनू साइंस मास्टर बना लेंदे, जा मैनू बीकॉम, मैं बीकॉम करदा सी, मैनू मैनू किसी बैंक बुंक च ला लेंदे, इस तों बात तो नहीं। इन्हां दे धीआं पुत ही क्यों राज करन बई, तुसी क्यों ना राज करो? हजे तक मैं लगता 52-53 साल उम्र होगी होनी राहुल गांधी दी, हजे तक भी यूथ का नेता है वो। हमारे बाप 50 क्रॉस कर जाएं उनको बोलते हैं बुजुर्ग। ये 53 साल के भी यूथ के नेता, क्या बात जी? क्या जवानी सिर्फ अखिलेश यादव पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ राहुल गांधी पर ही आई? क्या जवानी सिर्फ मजीठिया पर ही आई? हम पर कोई जवानी नहीं आई, हमें भी जवान समझो। अब लोगों ने बताया कि क्या हाल होता है। आपके यहां गवर्नमेंट की फाइल है, गवर्नमेंट का रूल है, 37 साल के बाद एक दिन भी आप ऊपर होगी उम्र तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ओवर एज हो जाते हो। और हमारे यहां 94 साल के प्रकाश सिंह बादल इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्यों नहीं ओवर एज होते? ठेका ले रखा है क्या? पिपल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने रुत नवियां दी आई है। और सब तो बड़ी गल यह है कि रुत साड़ी आई है, असी उन्होंने जिताउंदे रहे, वो जितते रहे, असी हारते रहे, असी आप हार जाते सी। जिन्हों असी हरा दें उन्होंने राजसभा भेज देंगे, चल तू राजसभा इधर दी। लोग कहते कल तो हराया सी, इहदियां काहदियां बधाइयां, कहते राजसभा च भेजता जी। हद है यार, पब्लिक के मैंडेट का तक तुसी। आम आदमी पार्टी ने 7 पंजाब चों 7 राजसभा के मैंबर भेजे ने। पहली बार होया है कि इको पार्टी के 7 ने, और 7 चों कोई भी इलेक्शन हारिया नहीं होया। स्पैशलिस्ट ने भज्जी हरभजन क्रिकेट वाला साडा एमपी, संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल वातावरण प्रेमी साडा एमपी, विक्रम सानी पद्मश्री साडा एमपी, संदीप पाठक साडा एमपी। उत्थे वो बंदे भेजो जिहड़े कुछ गल्लां कर सकण, उत्थे हारिया होया नूं ना भेजो जिहड़े लोगों ने रिजैक्ट करते। सो अज आउंदे होए सीएम साहब जदों बैठे सी मेरे नाल असीं दोनों, तो मैं कहा जी 2 मिनटां च उतर जाएंगे, हमीरपुर आ गया। मैनू कहिंदे तुझे ऊपर से कैसे पता चल जाता है कि हमीरपुर आ गया? मैंने कहा ये देखो सर, वो पुल आ गया ना, वो सड़क का पुल आ गया,
ये यहां से यू टर्न बजता है सर, मैं यहां शो करने आता था सर। तो मुझे पुल याद हैं, मुझे सड़कें याद हैं, मुझे खड्डे याद हैं। तो इसलिए आपां नवीं सड़कां बनावांगे, नवे पुल बनावांगे। एजुकेशन सब तो बड़ी चीज है। एजुकेशन जे कोई तुहानू लीडर आके इत्थे कहिंदा, जे कोई तुहानू बीजेपी कांग्रेसी आ कहिंदा असीं तुहाडी गरीबी दूर कर दांगे, वह झूठ बोल रहा है। कोई सरकार कोई लीडर तुहाडी गरीबी दूर नहीं कर सकता। तुहाडी गरीबी सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन दूर कर सकती है। जदों दिल्ली वांगू सरकारी स्कूलों च पढ़ के वो डिप्टी कमिश्नर बनणगे, कलैक्टर बनणगे, जज लगणगे, DFO बनणगे, बड़े बड़े अफसर बनणगे, उदों तुहाडे घरां दी गरीबी दूर होगी। वरना इन्हां तों सुणी चलो एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर। किन्ने क मौके दे दिए, बड़े मौके देते असी इन्हां नूं। असी हुण तुहानूं कहिंदे आ हिमाचल वालिओ, एक मौका सानू दे के देखो तो फिर तुहानूं किधरे होर देखण दी लोड़ नहीं पैणी। क्वालिटी एजुकेशन पंजाब दे विच स्कूल बन रहे ने, दिल्ली च बन चुके ने। दिल्ली तो सिक्ख्या लवांगे कि किवें कीते तुसीं स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड, हेवर्ड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, दिल्ली दे टीचर उन्हां दे वफद जांदे ने क्वालिटी एजुकेशन दी ट्रेनिंग लैण, फिर वो आके इत्थे अपने कलीग्स नूं सिखाउंदे। आ कदे सोचिया सी? नहीं तां मिड डे मील वंडण वालियां बिल्डिंगां बन गईयां सरकारी स्कूल। मैनूं एक बंदा मिलिया पंजाब च वोटां तों पहलां, कहिंदा पुत्त साडी तां अगली पीढ़ी वी गई। मैं क्या की हो गया? ना सरकारी स्कूल च बच्चे पढ़ते हैं। मैं क्या की गल, टीचर घट ने या नहीं? टीचर ने। फिर की हो गया? कहिंदा बस टीचर ने यह क्या होया है, कापी पेन घर पे भूल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, कटोरी और चमचा नहीं भूलना। मिड डे मील, दैट्स इट। हम एजुकेशन लेने जाते हैं या मिड डे मील खाने जाते हैं? हम उन्होंने प्रायोरिटी मिड डे मील को दे रखी है। देखो आपके बच्चों को हम दोपहर में खाना खिलाते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। वो आता है टीवी पर, हम चाहते हैं वो जब स्कूल से निकलें वो जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है, हिमाचल के यूथ में इतना टैलेंट है कि वो स्टार्टअप से कुछ भी, दुनिया का धांसू से धांसू आइडिया एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन मौका ही नहीं मिलता हमें, हमें मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मौका मिलेगा तो मैं, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मेरी तरफ से तो इतना ही मैं कहूँगा। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोकां दे दिल चों ये डर नहीं जांदा। इंसाफ दा दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चो ये डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना, रात लम्मी होण दा मतलब सूरज मर नहीं जाता। जिन्ना कोल लखां करोड़ां ने वो मैनू बुलाउंदे पए ने, जा सकदा हाँ पर नहीं जाता। साहां दा भार ही सब तो वध भारी है, मैं परख लिया। जरा सोचो डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता। आ जिहड़े करप्शन करते हैं इन्हां नूं कह दिओ भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जी आए सी कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।